आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इन मोनेरन्स एग्जांपल बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट एमीबा पैरामीशियम यूग्लिना एक्सेट्रा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफर्स बाय। पूछा गया कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली किस टाइप से दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे बडिंग। बडिंग का बात करें तो ये वन काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे पेरेंट बॉडी से निकल के न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। और ये जो बडिंग होता है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हाइड्रा में दिखाई देता है। वही नेक्स्ट है जो कि मल्टीफ्यूजन बोला गया है। और मल्टीफ्यूजन जो है ये बहुत सारे बैक्टीरिया में दिखाई देते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं रैपिडली, और वो उसी डिवीजन से न्यूमेरस सेल्स और न्यू सेल्स जो हैं वो बन के सामने आते हैं। वही बाइनरी फ्यूजन का अगर बात किया जाए तो बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है कि जब एक सेल जो है वो डिवाइड करके फिर दो अलग डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो प्रोडक्शन होता है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोडक्शन होता है जो कि हर किसी बैक्टीरिया एमीबा पैरामीशियम और यूग्लिना में दिखाई देता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन, जिसमें क्या होता है कि जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस, और माइटोसिस से पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करके डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से। वही एम्फीमिक्सिस का बात करें तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और ये भी असेक्सुअल प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर बताता है कि जो सेल्स है या फिर ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को ही टिक करेंगे जो कि क्वेश्चन हिसाब से करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।